प्लास्टर कुछ भी नहीं है, खिड़की दरवाजा पल्ले कुछ भी नहीं है, यहाँ पर होल बड़े बड़े हैं, बंदर ऊपर से भी आ जाते हैं, और जो बाउंड्री वॉल नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है, तो उससे जो है बच्चों को शौचालय नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, उसमें डर लगता है कि यहाँ तेंदुए का भी अभी जल्दी ही पकड़ा गया है। बंदरों से तो गाय बकरी सब यहीं पूरा घुमा करती हैं, और जो है यहाँ खाना जो बनवाते हैं वहीं बंदर चले जाते हैं, कहीं मसाला उठा के फेंक देते हैं तो कहीं आटा फेंक देते हैं। और वो स्कूल जब निर्माण हुआ तो वहाँ तीसब का जो गोदाम है वहाँ से कुछ चीजें मॉडिफाई होके और अन्य जगह सप्लाई होती थी, तो उन लोगों ने स्टे ले लिया जिधर, तो तब से वो निर्माण नहीं हो पाया उसमें। अब इस पे मैं और देखता हूँ कि इसको कैसे भी वो मामला माननीय न्यायालय से निस्तारित हो जाए तो उसका निर्माण करा दिया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सरकार तमाम पैसे खर्च कर रही है, लेकिन ढकौली का यह स्कूल प्रशासन को मुंह चिढ़ा रहा है, जहां पिछले 8 वर्षों से न इस स्कूल की ना तो खिड़कियां लग पाई और न ही दरवाजे, एक एक क्लास में 3-3 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में इनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जानवरों का भी खतरा बना हुआ है, शिक्षक जानवरों को से बच्चों को बचाएं या शिक्षा दें। ढकौली से अलीम शेख।